मित्रों, वृंदावन यात्रा के 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के उस बेहद खूबसूरत मंदिर के दर्शन कराने, जिसका आप सभी को इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम मंदिर के बारे में। मित्रों, हर बार की तरह इस मंदिर के भी सभी हिस्सों को दिखाने के साथ साथ सभी जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। इटालियन मार्बल से बना यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी सन 2001 को जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था और इस मंदिर को बनाने में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 शिल्पकारों ने इस मंदिर में कार्य किया था। तब जाकर लगभग 11 वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। 17 फरवरी सन 2012 को यह मंदिर जनता के लिए खोला गया। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बना यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। मित्रों, वृंदावन के 15वें एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं यहां प्रेम मंदिर को दिखाने। ये वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है और लगभग 11 साल में जाके ये मंदिर तैयार हुआ था। तो इस मंदिर को जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था और इसको बनाने में लगभग 1000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। पूरा ये मंदिर इटालियन मार्बल करारा पत्थर से बना हुआ है। तो आपको ये मंदिर अभी दिखाएंगे और मंदिर की जो झांकियां हैं वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत झांकियां हैं। मंदिर जो है वो 54 एकड़ भूमि के अंदर फैला हुआ है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मंदिर में जो नक्काशी है ये नागर शैली में बनी हुई नक्काशी है। आमतौर पर आप जब मंदिरों में देखते हैं तो नक्काशी ऊपर से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से ही स्टार्ट होती है ये इसकी जो नक्काशी है। आगे जब इसका भव्य नज़ारा आप देखेंगे, इसकी जो छवि है आपकी आँखों में ऐसी समा जाएगी कि आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो ये जो मंदिर है ये श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है और जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने ये बनवाया था। तो अभी कोरोना के बाद में ये मंदिर फिर से खुला है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी यहाँ चहल पहल दिखाई दे रही है। तो ये जो मंदिर है मेन रोड पर ही बना हुआ है। इधर आप जाएंगे तो वृंदावन है और इधर आप जाएंगे तो हाईवे पर आप पहुँच जाएंगे, नेशनल हाईवे नंबर 2 पर। यानी कि जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 2 से जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ करते हैं तो आप वृंदावन के रास्ते पर इस मंदिर को यहाँ पर आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसकी जो सुंदर झांकियाँ हैं उनको हम दिखाते हैं। ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार। और यहां से आप इस मंदिर में एंटर कर सकते हैं। मंदिर के चारों ओर बेहद खूबसूरत झांकियां बनी हैं, जिनमें श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को आप देख सकते हैं। मंदिर की हरियाली आपका मन मोह लेगी।
चलिए अब आपको मंदिर की टाइमिंग बता देते हैं। मंदिर दिन में 3 बार खुलता है। सुबह 5:30 बजे खुलता है और सुबह 6:30 बजे भोग लगाकर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद फिर से सुबह 8:30 बजे पट खोले जाते हैं और आरती होती है। इसके बाद 11:30 बजे भोग लगाया जाता है और दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद 4:30 बजे मंदिर फिर से खुलता है और मंदिर की आरती होती है। 5:30 बजे भोग लगाया जाता है और इसके बाद 8:10 पर शयन आरती होती है और 8:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में लेजर लाइटें लगी हैं जो रात में हर 30 सेकंड में मंदिर का कलर चेंज कर देती हैं। रात का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। अभी आपको रात का नज़ारा भी दिखाएंगे। मंदिर के एक हिस्से में कैंटीन बनी है जहां आप विश्राम कर सकते हैं और चाय नाश्ता का आनंद ले सकते हैं। मित्रों आपको बता दें, यह मंदिर 54 एकड़ भूमि पर बना हुआ है जिसमें जगत गुरु कृपालु जी महाराज ट्रस्ट का अपना हॉस्पिटल भी है। ये चिकित्सालय का मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है। ये जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय में निश्चित नियमों के अंतर्गत साधुओं, विधवाओं एवं गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा में प्राथमिकता दी जाती है। ये समय है सुबह 7:30 से 11:30 और दोपहर 12 से 2 बजे तक। मंदिर के इस हिस्से में ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी और स्टॉल लगी हैं, जहां से आप आध्यात्म से जुड़ी सामग्री और कलाकृतियां खरीद सकते हैं। मंदिर के इस हिस्से में आप जूते चप्पल रख सकते हैं। पानी के लिए यहां अलग से व्यवस्था की गई है। इस ओर और भी झांकियां बनी हैं। यह है मंदिर का भव्य नजारा। मंदिर के चारों ओर श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करती हुई कलाकृतियां बनी हैं। चलिए अब आपको रात्रि का नजारा दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं किस तरह से हर 30 सेकंड में लेजर लाइटें पूरे मंदिर का कलर चेंज कर देती हैं। रात्रि की छटा वाकई देखने लायक है। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है। मंदिर के अंदर की रंग बिरंगी छटा आपका मन मोह लेती है। मित्रों, मंदिर के गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मुख्य गर्भगृह के पट बंद हो जाने के बाद आप कुछ फोटो व वीडियो ले सकते हैं। मित्रों, प्रेम मंदिर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मित्रों, इस चैनल पर हम आपको संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं वृंदावन यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।